नमस्कार मेरा नाम रिचा अनिरुद्ध है मैं एक टीवी एंकर आरजे टॉक शो होस्ट रही हूं और अभी मेरा शो जिंदगी विथ रिचा जल्द ही यूट्यूब पर आने वाला है मेरी लाडली मेरा एक एनजीओ है गर्ल चाइल्ड के लिए हम लोग काम करना चाहते हैं लोकमत न्यूज़ डॉट इन की कैंपेन श्री मानुष के बारे में मुझे पता चला और बहुत स्ट्रांगली मैं इस कैंपेन को सपोर्ट करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो बहुत कम उम्र में और बहुत छोटी छोटी चीज़ों में हमें अपनी सोच अपनी मानसिकता को बदलने की जरूरत है uh, मिसाल के तौर पर लीजिए जो मैं कई बार लोगों को बोलती हूं कि अगर कोई लड़की किसी घर में बहुत अच्छा करती है कोई अचीवर बन जाती है तो कई बार पेरेंट्स क्या कहते हैं ये हमारी बेटी नहीं हमारा बेटा है अब आप सोचिए कितने छोटे से शब्द में आपने कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन कर दिया कि अगर कुछ अच्छा करती है तो बेटी नहीं बेटा है क्यों ना कभी हम अपने बेटे को तो ऐसा नहीं कहते तू मेरे बिल्कुल मेरी बेटी जैसा है तू बिल्कुल बेटी की तरह मेरा ख्याल रख रहा है तो मुझे लगता है ये छोटी सी चीज को बदलना बहुत जरूरी है अक्सर हम अपनी बेटियों को कई बार ये कह देते हैं कि तुमसे ये नहीं होगा तुम छोड़ दो ये भैया कर देगा या अगर हमारे घर में बेटा किसी लड़की से बाई चांस ऐसा हुआ कि किसी बच्ची ने मार दिया पिटाई कर दिया गेम में हरा दिया तो हम कहते हैं लड़की से पिट के आ गए लड़की से हार कर आ गए तो इतनी छोटी उम्र में हम बच्चों के मन में ये डाल देते हैं लड़कियों के मन में कि तुम कमज़ोर हो और लड़कों के मन में कि तुम ताक़तवर हो तुम एक लड़की से हार नहीं सकते तुम एक लड़की से पिट नहीं सकते तो मुझे लगता है एज पेरेंट्स हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि सोसाइटी में ये बहुत बड़ा एक दोगलापन है इसको बदलने की ज़रूरत है लड़का और लड़की को एक अच्छा इंसान बनाएं हम सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी यह है उसके बाद अचीवर कोई भी हो हमें कभी ये कहने की जरूरत नहीं होगी कि फर्स्ट वुमन टू डू दिस लेट्स ट्रीट एवरी वुमन एज अ ह्यूमन बींग एंड लेट्स कॉम्पीट ऑन इक्वल लेवल्स और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लोकमत न्यूज़ डॉट इन ने स्त्री मानू जैसी कैंपेन शुरू की है बहुत जरूरत है ऐसी बहुत सारी कैंपेन्स को और मैं इस कैंपेन को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करती हूँ